अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर रिजवान है। मैं मेरा नफ्सियात हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज मरीज़ आए हुए हैं कराची से, मेरे भाई आए हुए हैं। तो एक तो ये जो वीडियो बन रहे हैं, इनकी कंसेंट से, इनकी इजाज़त, इनकी अपनी मर्ज़ी से, वो खुद कह रहे थे मैं पैगाम देना चाहता हूँ। अभी आए हैं कराची से, मेरी बातचीत इनसे हुई है, तो इनके जज्बात, इनकी फीलिंग्स, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। इतनी दूर से कराची से डीजी खां, यानी कितने 100 किलोमीटर का सफ़र करके आए हैं और किस हालत में आए हैं, इनकी कंडीशन क्या थी, वो इन भाई से पूछते हैं। ओवर टू द पेशेंट। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, बात ऐसी है कि मैं ये डॉक्टर साहब के पास आया हूँ न्यू कराची से। ठीक है, मैंने इनकी बहुत सी वीडियो देखी, बहुत से लोग इधर से सेट हुए और लोगों ने दुआ दी और बहुत से लोगों का फ्री भी इलाज हुआ इधर से, जिन्होंने बोला खुद अपने मुंह से कि हमने फ्री करवाया इलाज। और मैंने भी बहुत सी दुआएं दी इनको इसी से, क्यों कि अभी तक भी लोग ऐसे ज़िंदा हैं इधर कि जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है। ठीक है, तो मैं वहाँ से चलकर मैं यहाँ पे आया। 10,000 रुपया मैं ले कर आया हूँ और जिसमें 5,000 रुपया तो मेरा रास्ते में लग गया। और मैं अभी डॉक्टर साहब से मिला हूँ तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं बेटा, तुम आ गए हो तो तुम हमारे छोटे भाई हो, इंशाल्लाह हम आपके साथ पूरा वो करेंगे, तो कोऑपरेट जो हो सका। तो बस अभी मैं पहली दफ़ा वीडियो बनवा रहा हूँ इनके साथ। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो फिर बनाऊँगा जब इंशाल्लाह मैं सेट हो जाऊँगा। इन्होंने बोला कि इंशाल्लाह आप बेगम रहो इस बात से। ठीक है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप यहाँ से ठीक हो के जाओगे। तो अल्लाह ताला ये लोगों को सेहत दे, ज़िंदगी दे, और अल्लाह ताला इन लोगों को कायम और दायम रखे, और ग़रीब आवाम के लिए कि ये लोग खिदमत के लिए इधर बैठे हुए हैं। तो सर, मेरी अलामत ऐसे हैं कि मैं वाशरूम में भी जाता हूँ ना, तो मैं जो दरवाज़ा है वो खुला रखता हूँ, आधा खुला और आधा बंद, कि मुझे खौफ आता है कि खुदा ना खास्ता मुझे कुछ अंदर हो ना जाए। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मैं तो मुझे चक्कर बहुत आते हैं, मैं ज़्यादा मतलब कि पैदल नहीं चल सकता। और तीसरी बात ये है कि मैं तो मुझे खौफ आता है, डर है मुझे बिल्कुल कि मुझे कुछ हो ना जाए या कुछ मुझे मार ना दे कुछ, मतलब कि ऐसी अलामत हैं कि बिल्कुल मुझे ख़राब किया। और छः साल से मैंने पेशावर से दवाई ली है, रावलपिंडी से दवाई ली है, और कराची के पता नहीं कितने डॉक्टर मैंने छान दिए, लेकिन मैं ठीक नहीं हो सका। और आखिर पे मैं इनकी वीडियो देखता रहा, देखता देखता, और फिर मैं यहाँ तक पहुँच गया डेरा गाजी खान में। बहुत शुक्रिया जनाब, मेहरबानी। गरीब बंदा है, आपने सुन लिया है, 6 साल से एनजाइटी है इसको, घबराहट, बेचैनी, डर, खौफ, नींद के मसाइल, मेदे का मसला, बहना निकलना, काम ना कर सकना। अभी आया, कहते हैं पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आपका इलाज करते हैं। क्योंकि मैं कह चुका हूँ, जो भी मरीज़ है, जो ठीक ना हो रहा हो, जो गरीब मरीज़ है, वो आए अपना इलाज कराए। मैं फिर कह रहा हूँ, दिस इज़ नॉट एडवर्टाइजमेंट, ये खिदमत खाल कर रहा हूँ। कुछ लोगों को है तकलीफ, तो मैं तो अपना काम सच्चे दिल से कर रहा हूँ। अब ये रो रो के मुझे दुआएँ दे रहा है, अभी इलाज शुरू नहीं किया, जस्ट हमारी फर्स्ट सिटिंग है, पहली मुलाकात में। इतना तो उसको यकीन है अल्लाह के ऊपर और मेरे इलाज के ऊपर। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, यही चीज़ें होती हैं जो दिल से मरीज़ दुआ दे, यही सब कुछ हमें मिल जाता है। खैर, एंजाइटी का पेशेंट है, ट्रीटमेंट मैं शुरू कर रहा हूँ। इंशाल्लाह इसकी अगली वीडियो भी आएगी जब इसका इलाज कंप्लीट हो जाएगा, फिर सुनेंगे भाई से भी कितना आराम हुआ आपको, कितनी उम्मीद लेके आए थे हम, कितना इसमें सक्सेसफुल हुआ जी। बात करनी है, ठीक है, ये नेक्स्ट वीडियो पे और भी कुछ कहना चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे फिर आपने इंतज़ार करना है, इनका सुनना है, रिज़ल्ट देखना है। हम इसका इलाज शुरू कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।